Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome all of you to our channel Banking Career. I hope you guys are good and doing well. I am going to be your reasoning faculty as many of you know that the notification of RRB has been out. So without wasting any time, let's come to the topic. Today I am going to discuss about RRB clerk syllabus, that is assistant multipurpose syllabus. So let's begin. तो ये है हमारे सामने जो IBPS RRB सिलेबस 2024 रीजनिंग, तो इसमें से हम कुछ जो हमें नहीं पढ़ना है, जो हमारा आउटडेटेड है, जो हमें अभी काम का नहीं है, उसको हम हटाएंगे पहले सिलेबस से, जिसके क्वेश्चन नहीं आते हैं. ऑड मैन आउट, हाँ चलिए आते हैं, ठीक है. कोडिंग डिकोडिंग आती है, ब्लड रिलेशन आती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं, बिग नो, कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं आती है. डिसीजन मेकिंग नहीं, प्री में तो नहीं आती है क्योंकि हम अभी प्री पे फोकस कर रहे हैं, तो प्री के लिए ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं. असर्शन एंड रीज़न नहीं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन प्री में नहीं आता. ये एनालॉजी, ये है SSC का सिलेबस, इसको रिपीट कर रखा है, इसमें दे रखा है, ये नहीं. ब्लड रिलेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए इसको मैं कट कर देता हूँ. हाँ, उसके बाद हमारे पास है क्या, सीरीज़ टेस्ट, हाँ ये आती है, सीरीज़ टेस्ट आती है. डायरेक्शन टेस्ट आती है हमें, ठीक है. स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस प्री में नहीं आता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस प्री में नहीं आता है. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन प्री में नहीं आता है. इनइक्वालिटी हाँ आता है, इनइक्वालिटी आता है. फिर उसके बाद सिलॉग्स आता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है. सॉरी, मैं ग्रीन कलर ग्रीन कर लेता हूँ. हाँ, रैंकिंग एंड टाइम, रैंकिंग सिर्फ आती है, टाइम से हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है टाइम से. हाँ, अब आगे देखता हूँ. सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट आती है. फिगर सीरीज नहीं, बिल्कुल बिग नो टू दिस. देन व्हाट वी हैव टू डू, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन हाँ आती है, 1 मार्क्स की आती ही है, आपको मिलेगी ही, पजल आपको मिलेगी ही. अब ठीक है, ये हमें पता हो गया कि क्या इसमें से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हमने देख लिया, हमारा सिलेबस देख लिया. एक चीज़ इसमें मिसिंग है जो कभी कभी आ जाती कभी नहीं भी आती है, वो है डेटा सफिशिएंसी. ये अगर आएगी तो आपको 5 मार्क्स की आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ऐसा है पेपर में. या फिर 3 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स का भी आ सकता है. अब चलिए जो हमने जो डिस्कस किया, तो उसमें कौन कितना वेटेज रखता है वो देख लेते हैं. ओके, तो ऑड मैन आउट 1 मार्क्स का आएगा आपको. कोडिंग डिकोडिंग आई तो 5 मार्क्स की, नहीं तो नहीं आएगी. ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेट पे. सीरीज़ टेस्ट आएगी 5 मार्क्स की और 3 मार्क्स की. डायरेक्शन 3 मार्क्स मैक्स हो जाता है डायरेक्शन के लिए, 3 मार्क्स डायरेक्शन होगी. और रैंकिंग आपकी 2 मार्क्स की रहेगी. इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, बहुत ईजी नंबर दे के जाएगी आपको. सिलॉक्स 5 मार्क्स, उसी तरह से बहुत ईजी नंबर ये सब दे के जाएगी, ये सब जो टॉपिक हैं आपके. हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क्स, वर्ड फॉर्मेशन 1 मार्क्स की आएगी, पजल 5 मार्क्स की आएगी. ये आपका टोटल जो है, जैसे मैंने अब इसको येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, इसको मैं राउंड अप कर दे रहा हूँ. तो ऑड मैन आउट ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा. कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सीरीज़ टेस्ट, ठीक है. फिर है डायरेक्शन टेस्ट, ओके, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, फिर उसके बाद रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट और वर्ड फॉर्मेशन, पजल. ये सारे चीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे. अब सेट पे डिपेंड करता है, किसी में हो गई कि कोडिंग डिकोडिंग आ गई, किसी में आप देखोगे कि कोडिंग डिकोडिंग आ गई, और किसी में कोडिंग डिकोडिंग को नहीं पूछ करके उसमें पूछ लिया सिलॉक्स. तो वो डिपेंड करता है सीरीज़ पे कि कौन सी क्या आएगी, लेकिन इससे बाहर आपको क्वेश्चन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा प्री में. एटलीस्ट प्री में आप चाहे RRB पीओ क्लर्क का प्री देख लो या RRB PO का प्री देख लो, दोनों में इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ये आप श्योर रहो. अब मैं आपसे ऐसे ही बात नहीं करता हूँ, मैं आज लेकर आया हूँ 2018 का क्लर्क का जो हो रखा है पेपर, वो लेकर आया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ. देखो आपके पास जो पहला है क्वेश्चन है, वो है वीकली पजल. वीकली पजल है, देखो जो ये पजल है ना, वो मंडे से लेकर के, जो एक ऑफिस में होता है कि अलग अलग पोस्ट पे है, अलग अलग स्टेट में रहता है, मंडे को जाता है ये, ट्यूसडे को जाता है ये, तो वो उस टाइप का ये क्वेश्चन है. सेकंड जो आपका जो क्वेश्चन है, देखो आपसे मैंने बोला था कि आपको जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू जो टेस्ट करेगा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगी वो सीरीज़ से मिक्सअप देखो आप क्वेश्चन है, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे सीरीज़ जो है यहाँ 5 क्वेश्चन इससे आए हैं मैंने जैसे आपको पहले बताया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि ये क्रॉप हो गई है, इसमें भी उसी तरह से कोई पजल रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये देखो आप, कोई हाउ मेनी पीपल सेट टू दी, कोई क्वेश्चन है वो क्रॉप हो चुकी है ये। लेकिन ये भी जो क्वेश्चन है आपका ये पजल से होगा रिलेटेड या फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स होगा, वो तो देखनी पड़ेगी, वो पजल अब मेरी रह गई है, मैंने सही से ये क्रॉप हो गई है मेरे से शायद, नहीं 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 सॉरी मैं क्रॉप नहीं हुई थी। ये देखो आप, ये क्या है, एक लाइन पे बैठे हुए हैं लोग, तो ये देखो आप एक लाइन पे। एग्ज़ाम में आप मोस्टली चांस रखो ना कि आपको सिंगल ही मिलेगा, जैसे नॉर्थ और साउथ दो साइड का फेसिंग में लोग मिलते हैं ना, लेकिन मोस्टली आपका एक ही क्वेश्चन होगा जो डिफ़िकल्ट लेवल का होगा, उसको आपको पहले अटैम्प्ट नहीं करना है, पहले अटैम्प्ट नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना, आपको उसको उस टाइप के क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट नहीं करना, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको बाद में अटैम्प्ट करना है। जो सिंगल जो ईजी होगी उस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के बाद इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती है, तो देखो आप इनइक्वालिटी, ये देखो ये आप 2 मिनट मैक्स, मुझे तो लगता है कि 1 मिनट में ही आप कर जाओगे 5 क्वेश्चन, 1 मिनट 5 क्वेश्चन इनफ है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, कुछ आपको टाइम नहीं लगेगा वो करने में। तो चलिए अगला देखता हूँ मैं और क्या है दिया हुआ इसमें, इसमें और कुछ है इस सेट में नहीं, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ। देखो आप ये जो मैं पहले बोल रहा था आपसे कि दो साइड में बैठे हुए रहते हैं लोग, फेसिंग नॉर्थ साउथ, अपोजिट है, इक्वी डिस्टेंस पे बैठे रहते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपका देखो स्टेटमेंट डेटा सफिशेंसी का है ये, देखो इसमें डेटा सफिशेंसी, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक पहला रहता है एक दूसरा रहता है, उस पर आपको बताना है कि किससे जो आपका फाइनल जो कंक्लूजन जो निकलेगा, तो स्टेटमेंट 1 ओनली सेटिस्फाई करेगा, स्टेटमेंट 2 ओनली सेटिस्फाई करेगा, या बोथ से होगा, नीदर नॉर आइदर और, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए ये था आपका ब्रीफ सिलेबस को मैंने जो भी आपको बताया अभी। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल आपके लिए प्री के लिए, आरआरबी प्री के लिए डेडिकेटेड आपको वीडियो, ये बैच स्टार्ट हो रही है, कल से आपकी ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिस टाइप का आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग पैटर्न है वो सारा। और आपको अगर मेंस लेवल का अगर देखना है, आप एसबीआई के लिए देख रहे हो, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए या फिर आरआरबी मेंस के लिए देख रहे हो, पीओ मेंस के लिए, तो ऑलरेडी मेरा एक चैनल है जिसका नाम है दी इनविंसिबल्स, ये चैनल का नाम है। आप दी इनविंसिबल अगर बैंकिंग लिख के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें सिर्फ मोस्टली मैंने मेंस लेवल का वो चैनल है, मोस्टली वहाँ कंटेंट वहाँ मेंस लेवल के ही होते हैं, प्री लेवल का वहाँ कुछ आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। हाँ वहाँ प्री लेवल का फ्री मॉक जो है, प्री लेवल का मॉक चल रहा है जिसमें यू कैन स्कोर 20 मार्क्स इन 10 मिनट, 20 मार्क्स इन 10 मिनट। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।